on. सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कोड फॉर लाइफ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम लोग कैसे पाइथन में सिर्फ दो लाइन का कोड लिख के अपने व्हाट्सएप को ऑटोमेट कर सकते हैं। ऑटोमेट इन द सेंस कि हम लोग कोई भी मैसेज को शेड्यूल कर सकते हैं और वो मैसेज उसी टाइम पे डिलीवर होगा। ये चीज़ तब हेल्पफुल होगी जैसे हम लोग को कभी किसी को 12 बजे विश करना है एग्जैक्ट, या किसी टाइम पर विश करना है, या कुछ भी मैसेज करना है, बट हम लोग को वो चीज़ दिमाग से निकल जाती है, हम लोग भूल जाते हैं। तो सिर्फ दो लाइनें लिखकर पाइथन में हम लोग इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग नीचे जाएं और सब्सक्राइब के बटन को दबाएं ताकि इस टाइप की वीडियोस के फ्यूचर अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं रिक्वायरमेंट्स पे। आपको ये काम करने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। जो सबसे पहली चीज़ आपको रिक्वायर्ड होगी वो होगा पाइथन। आपके कंप्यूटर में पाइथन होनी चाहिए। इसके बाद जो दूसरी चीज़ है इंपॉर्टेंट वो होगा पिप। पिप जो होता है वो पाइथन का एक पैकेज इंस्टॉलर होता है जो हम लोग को एक हम लोग लाइब्रेरी यूज़ करने वाले हैं इसके लिए पाई वॉट किट नाम की, जो पिप की हेल्प से हम लोग अपने सिस्टम पर इंस्टॉल करेंगे। इसके अलावा जो लास्ट चीज़ है जो इम्पॉर्टेंट है वो है हमारा जो व्हाट्सएप वेब है वो लॉगिन होना चाहिए। तो चलिए अब बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए सबसे पहले देखते हैं पाई वॉट किट हम लोग कैसे अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पर जाना होगा और नॉर्मल सर्च करना होगा पाई वॉट किट। तो वो आपको पाई पाई साइट पर एक ऐसे साइट पर लेके आ जाएगा और यहाँ से आपको ये लाइन कॉपी करनी है, नहीं तो आप ये देख के भी यहाँ से लिख सकते हैं। उसके बाद आपको अपना वो खोलना है VS Code में एक फाइल बनाते हैं हम लोग demo.py नाम से, और यहाँ पे सबसे पहले इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। मैंने यहाँ इसको पेस्ट किया और इसके बाद मेरा pip3 है और मेरे में pip3 है, तो आपके में अगर pip होगा तो आपका pip से चलेगा, मेरे में pip3 है तो मैं pip3 से चलाऊँगा इसको। तो ये इस तरह से इंस्टॉल होने लगेगी। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं मेरे में लिख के आ रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरे में लाइब्रेरी पहले से इंस्टॉल्ड है। तो चलिए अब क्या करते हैं कि सबसे पहले इस लाइब्रेरी को यहाँ पाइथन में हम लोग इम्पोर्ट कर लेते हैं, इम्पोर्ट pywordkit, और इसके बाद pywordkit.sendwhatmessages। तो ये जो फंक्शन है ये pywordkit लाइब्रेरी के अंदर एक फंक्शन है sendwhatmessages, जो व्हाट्सएप पे मैसेज भेजता है। तो ये मैसेज अगर क्या क्या आर्ग्यूमेंट लेता है ये यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले एक फ़ोन नंबर लेता है जो कि एक स्ट्रिंग होगी, और जो दूसरा है वो मैसेज, और तीसरा टाइम, किस टाइम पे आपको घंटे और मिनट में मैसेज भेजना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि, और हाँ एक चीज़ और ध्यान देने वाली है, यहाँ जो फ़ोन नंबर है वो +91 से स्टार्ट होना चाहिए, उसके बाद आपका फ़ोन नंबर। तो मैं यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर ब्लर करूँगा फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस। हाँ तो मैंने यहाँ फ़ोन नंबर डाल दिया। तो जो अगली चीज़ हमें डालनी है वो होगा यहाँ पे एक मैसेज। तो अभी के लिए मैं हेलो डाल देता हूँ सिर्फ, और जो टाइम है अभी वो 11 बज रहा है। तो ये एक पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि ये 24 आवर्स के फॉर्मेट में चलेगा। तो जैसे अभी 11 बज रहा है रात का, तो मैं यहाँ पे 23:05 लिख दूँगा इस तरह से कुछ। सॉरी मैं यहाँ पे 25:10 पे लिख देता हूँ, 11:08 हो गए तो 11:10 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। और अब हमें सिर्फ क्या करना है, अब हमें इस प्रोग्राम को सिर्फ चलाना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे python3demo.py और बस हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे और एंटर दबा देंगे और फिर देखते हैं क्या होता है। तो मैंने इस प्रोग्राम को रन कर दिया है। तो अब ये बोल रहा है कि इन 127 सेकंड्स व्हाट्सएप वेब विल बी ओपन एंड आफ्टर 20 सेकंड मैसेज विल बी डिलीवर्ड। तो चलिए इंतजार करते हैं 27 सेकंड में क्या होता है, और उसके बाद देखते हैं मैसेज डिलीवर होता है कि नहीं हमारे गिवन नंबर्स पे। तो ये देखिए, जैसे आप देख सकते हैं कि 127 सेकंड में हमारा व्हाट्सएप वेब ओपन हो चुका है। तो अब देखते हैं कि ये मैसेज डिलीवर होता है कि नहीं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैसेज तो टाइप होकर पहले से ही लिख गया है, तो उसमें लिखा हुआ था कि 20 सेकंड में मैसेज डिलीवर होगा। तो अब देखते हैं 20 सेकंड में मैसेज डिलीवर होता है कि नहीं। तो चलिए वेट करते हैं 20 सेकंड का। और ये देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मैसेज एग्जैक्ट 11:10 पर डिलीवर हो चुका है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये लाइब्रेरी कितनी हेल्पफुल है अगर हम लोग को किसी को बर्थडे विश करना है एग्जैक्ट 12 बजे या कुछ भी, तो हमारे कितने काम आ सकती है लाइब्रेरी। और हम लोग को सिर्फ दो लाइनें यहाँ पर कोड करनी पड़ी इसको चलाने के लिए। और यहाँ पे जब देखिए, अभी आप कोड चलाते हैं तो यहाँ पे एक फाइल और क्रिएट होती है जिसमें ये रिकॉर्ड और बनाता है कि आपने किसको क्या मैसेज भेजा, किस नंबर पे, और किस क्या क्या मैसेज भेजा आप। तो चलिए गाइस, अगर ये ट्रिक आपके लिए कोई भी हेल्पफुल हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लोग आपके लिए इसी टाइप की वीडियो इस चैनल पर लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।